हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इन वीडियो नंबर 1 वी सॉ इन डिटेल अबाउट द सर्विस ऑफ इंश्योरेंस। नाउ इन दिस वीडियो वी विल टेक अप द अदर सर्विसेज। तो वी विल टॉक ऑफ फर्स्ट पोस्टल सर्विसेज एंड इफ टाइम परमिट्स वील ऑल्सो टॉक ऑफ गोडाउन्स एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। अदरवाइज विल मेक अ न्यू वीडियो। ओके, सो लेट्स टॉक ऑफ पोस्टल सर्विसेज राइट नाउ। नाउ सी, पोस्टल सर्विसेज जो है दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रिटन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। सी, इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना बहुत जरूरी बनता है ना। इट शुड बी डन स्पीडली एंड विदाउट इंटरप्शन, राइट? सो बेसिकली अलग अलग सर्विसेज से हम इंफॉर्मेशन पास करते हैं। तो वन ऑफ देम इज पोस्टल सर्विस। नाउ पोस्टल सर्विस कैन बी गवर्नमेंट ओन, दैट्स पोस्टल सर्विस। वो प्राइवेट भी ओन हो सकता है, जैसे कुरियर सर्विस है, आंगडिया फैसिलिटी है। तो ये वही काम करते हैं, लेटर्स और पार्सल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। सो इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वो 150 ईयर ओल्ड है। 1853 में इंडिया में पोस्ट सिस्टम चालू हुआ, राइट? लॉर्ड डलहौसी के वक्त पोस्टल सिस्टम स्टार्टेड एंड तब से इंडिया में पोस्टल सिस्टम कायम है। एंड ये उसका नेटवर्क जबरदस्त फैला हुआ है, गांव गांव में उसका नेटवर्क फैला हुआ है। प्राइवेट कुरियर सर्विस की कोई मिसाल नहीं है पोस्ट का मुकाबला करना। हाँ, सिटी टू सिटी प्राइवेट सिस्टम पोस्टल सर्विस, कुरियर सर्विस आर फाइन। आंगरिया भी एक बड़ी सिटी से दूसरी बड़ी सिटी तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन सिटी टू विलेज लेवल या विलेज टू विलेज लेवल, दैट इज उनका इतना व्याप नहीं है, वो पोस्टल सर्विस पे ही डिपेंड करना पड़ता है। तो पोस्टल डिपार्टमेंट जो है पोस्टल सर्विस तो देगा ही, लेकिन उसके अलावा इट ऑल्सो गिव सर्विसेज लाइक मनी ऑर्डर, देन अलग अलग डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, स्मॉल सेविंग प्लान्स प्रोवाइड करना, पोस्टल इंश्योरेंस देना, रूरल इंश्योरेंस स्कीम इम्प्लीमेंट करना, म्यूचुअल फंड का सर्विस, राइट? देन ऑल्सो इट एक्ट्स लाइक अ एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर मैनी स्कीम्स। इट ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज फॉर पेइंग रिटायरमेंट पेंशन। प्लस पोस्टल डिपार्टमेंट आज बैंक का काम कर सकता है, वो उसको बस बैंकिंग का लाइसेंस भी है। सो इट एक्ट्स लाइक अ बैंक टू इट्स कस्टमर्स। इंडिया में 1.5 लाख से ज्यादा, 1,50,000 से ज्यादा पोस्ट ऑफिसेज है, उसमें से 90% इन रूरल एरियाज। सी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, बिकॉज जब आप इंडिया में अगर आप फैल रहे हो, गांव वाले को आपको मेन स्ट्रीम में लाना हो, तो पोस्ट का जो सेटअप है वो आपको बहुत काम लगने वाला है। यानी गवर्नमेंट अभी हर स्कीम अपना पोस्ट के थ्रू करना चाहती है, बिकॉज पोस्ट का रीच इतना जबरदस्त फैला हुआ है। नाउ लेट अस सी पोस्ट का सर्विसेज अगर देखे, तो फर्स्ट इज अबाउट पोस्ट एंड लेटर्स, जनरल पोस्ट एंड लेटर्स। तो पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर्स, कवर एक्सेट्रा से पोस्ट देती है। तो आप नॉर्मल पोस्ट कार्ड से भी आप इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, नॉर्मल इनलैंड लेटर से भी आप अपना इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। अगर आपको कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट कर पाएंगे। तो रजिस्टर्ड पोस्ट आर डिलीवर्ड बाय पोस्टल डिपार्टमेंट, चार्जेस आर मोर देन द जनरल पोस्टल कम्युनिकेशन। और अगर आपको प्रूफ पन चाहिए, सेंडर को अगर प्रूफ चाहिए, रिसीवर का सिग्नेचर चाहिए आपको, एक्नॉलेजमेंट, तो आप रजिस्टर्ड एडी, राइट, उसको रजिस्टर्ड एडी भी बोलते हैं, राइट, वो भी आप कर सकते हैं, जिसमें आपको रिसीवर का साइन लेके वापस सेंडर तो सेंडर को प्रूफ मिलेगा। तो रजिस्टर्ड पोस्ट इज लाइक अ कुरियर सर्विस। देन पार्सल सर्विसेज भी पोस्ट देगा, और इसके लिए आपको पोस्ट डिपार्टमेंट को अलग अलग फी पे करके आप पार्सल भेज सकते हैं, तो वो बिजनेस में बहुत काम लगने वाला है। एक ऐसा पार्सल सर्विस है VPP, दैट्स कॉल्ड वैल्यू पेबल व पोस्ट। जैसे हमारा अमेजन वाले और फ्लिपकार्ट वाले COD देते हैं, कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी, तो ये VPP फैसिलिटी विल बी गिवन बाय द पोस्ट। यानी पार्सल इज सेंड टू द रिसीवर, रिसीवर पार्सल लेके पोस्टमैन को पैसा दे देगा, एंड पोस्टमैन वो सेंडर तक वो पैसा पहुंचाएगा, या पोस्टल डिपार्टमेंट वो सेंडर तक पैसा पहुंचाएगा। सो दैट्स वैल्यू पेएबल बाय पोस्ट, और इट्स कैश ऑन डिलीवरी इन अदर वर्ड्स। दूसरा है स्पीड पोस्ट या स्पीड पार्सल। अगेन एक पर्टिकुलर टाइम में
नहीं, कुछ जगह पे मेन सिटीज में टाइम बाउंड डिलीवरी ये करता है स्पीड पोस्ट से, लेकिन चार्जेस आर हायर फॉर स्पीड पोस्ट देन अदर पोस्ट। एंड इसका इंश्योरेंस भी आप ले सकते हैं ताकि कोई डैमेज हो तो आपका सामान का डैमेज का भी इंश्योरेंस मिल सकता है। तो स्पीड पोस्ट इज फॉर फास्ट एक्सप्रेस डिलीवरी, उसमें एक्सप्रेस पार्सल सर्विस भी है, राइट? अगेन वेरी स्पीडिली आपको सामान पहुंचाना है विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, तो आप एयर के थ्रू या फास्ट रूट के थ्रू आप इसको भेज सकते हैं। तो एक्सप्रेस पार्सल आर सेंड थ्रू स्पेशल रूट्स, एयर रूट और स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन्स। अगेन सिंपल बट फी हाई, इसमें हायर होगा देन द स्पीड पोस्ट। तो ये हुआ उसका डिलीवरी कुरियर और डिलीवरी का फैसिलिटीज। सेविंग फैसिलिटीज अगर देखें तो पोस्टल डिपार्टमेंट एक्स लाइक बैंक्स, वो अलग अलग सेविंग स्कीम, सेविंग सर्विसेज प्रोवाइड करते कस्टमर्स को, जैसे कि सेविंग अकाउंट, 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट्स, मंथली इनकम प्लान, सीनियर सिटीजन सर्विस सेविंग सर्टिफिकेट, 15 ईयर पब्लिक प्रोविडेंट फंड, 5 to 10 ईयर किसान विकास पत्र, देन सुकन्या समृद्धि अकाउंट एक्सेट्रा। हम इनके बारे में आगे देखेंगे, इसलिए हम तो फास्ट जा रहे। वो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट भी खोल सकते हैं आप, जैसे बैंक की जैसे आप पोस्ट ऑफिस में वी कैन ओपन अ सेविंग अकाउंट, आप चेकबुक ऑपरेट कर सकते हैं, आपको एटीएम कार्ड भी मिलता है पोस्ट ऑफिस की तौर से। तो विलेज में बैंक खोलने की जरूरत भी नहीं है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही ये सब बैंकिंग फैसिलिटी कर सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डिफरेंट स्कीम्स। जैसे रिकरिंग डिपॉजिट की बात करें तो रिकरिंग डिपॉजिट मीन्स अकाउंट होल्डर जो है ना, ही हैज टू पे, द अकाउंट होल्डर हैज टू पे द अमाउंट एज डिसाइडेड ऑन द प्री डिसाइडेड डेट टू पोस्ट ऑफिस। एवरी मंथ वो कुछ अमाउंट पे करेगा, 5 ईयर के एंड में या उसका डिपॉजिट मच्योर होता है, अकाउंट मच्योर होता है, तो प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अकाउंट होल्डर को मिलता है। तो 5 साल की ड्यूरेशन के बाद आपको उसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं और 5 साल के लिए, तो इससे लेकर यू कैन कीप ऑन, यानी आफ्टर 5 ईयर्स ये अमाउंट यू कैन पुट इट एज टर्म डिपॉजिट एंड आप बाकी का रिकरिंग आप कंटिन्यू कर सकते हैं। टर्म डिपॉजिट मीन्स फिक्स अमाउंट, लेट्स सी, रिकरिंग में आप कुछ 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया हर महीने आप सेव करेंगे, एंड टर्म डिपॉजिट में आप फिक्स अमाउंट आप एक साथ डाल दिया, लेट्स से 50,000, 1 लाख आपने एक साथ डाल दिया फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर ड्यूरेशन, और 200 रुपीज या उसके मल्टीपल में आप अमाउंट डाल सकते हैं। उसका इंटरेस्ट एवरी थ्री मंथ्स आपको जमा होता है, लेकिन उसका पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज डन ऑन ए ईयरली बेसिस। अगेन ये ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर, यू कैन क्लोज इट एनी टाइम इवन बिफोर मच्योरिटी पीरियड। दूसरा है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है, आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही उसको मिल सकता है, यू कैन परचेज ओनली फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। 5 to 10 ईयर का ड्यूरेशन का ये प्लान होता है, इंटरेस्ट रेट भी अराउंड 7 to 8% इंटरेस्ट मिलता है। 5 ईयर के मच्योरिटी के बाद या 10 ईयर मच्योरिटी के बाद द अमाउंट कैन बी क्लेम्ड विथ इंटरेस्ट बाई फुलफिलिंग द फॉर्मेलिटीज, आपका सर्टिफिकेट जमा करके, आपका प्रूफ देके, इनकम प्रूफ, आईडी प्रूफ देके आप ये NSE को छुड़ा सकते हैं और आपको पूरा अमाउंट आपको मिल जाएगा। किसान विकास पत्र भी ऐसा ही है, KVP, दैट यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट नहीं मिलता, इंटरेस्ट नहीं गिनते, लेकिन डबल अमाउंट मिलता है 100 मंथ में, यानी 8 ईयर एंड 4 मंथ्स, 8 ईयर 4 मंथ्स यानी 100 मंथ्स में आपको जो अमाउंट रखा है उसका डबल आपको मिल जाता है। अगेन वो प्रिस्क्राइब अमाउंट में ही आपको आप डाल सकते हैं, फिक्स अमाउंट होगा, एंड आफ्टर मच्योरिटी डेट द अमाउंट कैन बी क्लेम्ड बाई फुलफिलिंग द रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज। उसके अलावा वी हैव पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF, एनी इंडिविजुअल कैन ओपन दिस PPF, इट्स अ इंडिविजुअल अकाउंट है, 15 साल का ड्यूरेशन है, मिनिमम अमाउंट इसका 500 रुपया है पर एनम पर ईयर, राइट, मैक्सिमम अमाउंट कैन बी अराउंड 50,000 रुपीज पर एनम। 15 साल के बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा अंडर प्रिवेलिंग रूल्स, यू कैन ऑल्सो एक्सटेंड फॉर 5 more years, बट यू कैन ऑल्सो क्लोज इट बिफोर 15 ईयर्स। एक फायदा ये है PPF का कि इनकम टैक्स का एग्जेप्शन मिलता है, यानी इनकम टैक्स से बचाने आए आपको, टैक्स बचाने तो आप PPF ले लेंगे, एंड आपका हायर को भी मिलेगा इन केस ऑफ योर डेथ। दूसरा है कि ये इसमें एक और फायदा है कि अगर आप बैंकरप्ट हो गए हो तो
आपका नॉर्मल कोई जो आपके सेविंग्स है वो बैंक्रप्सी के दौरान वो गवर्नमेंट ले लेगा एंड आपका जो जिसको चुकाना है उसको मिलेगा, लेकिन पब्लिक प्रोविडेंट फंड नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू, ये इवन बैंक्रप्सी में भी ये आपको मिलेगा। सेमी पोस्टल इंश्योरेंस जो है इट इज अवेलेबल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज एंड सेमी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को मिलेगा और ये पोस्ट इंश्योरेंस ले सकते हैं ये लोग। इसका मेन फीचर है कि इंटर प्रीमियम लोवेस्ट है एंड बोनस अच्छा मिलता है। देन वी हैव मंथली इनकम स्कीम, इट इज यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स हु रिक्वायर इंटरेस्ट इनकम ऑन अ मंथली बेसिस। जी कोई रिटायर्ड आदमी है उसको उसके पास पूरा जिंदगी काम किया है, अब उसको गुजारा के लिए हर मंथ में कुछ पैसा चाहिए, तो लेट्स से उसके पास 10-15 लाख रुपया हो, नहीं तो वो 10-15 लाख रुपया पोस्ट में डाल लेगा एंड उसका जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट मंथली उसको मिल जाएगा, तो वो इंटरेस्ट विदड्रॉ कर पाएगा। इससे डबल फायदा, वो इंटरेस्ट से उसका गुजारा हो जाएगा एंड उसका जो मुडी है प्रिंसिपल है वो पोस्ट में जमा रहेगा, तो मुडी टूटेगा नहीं, वो आप अपने बच्चों को पास ऑन कर सकते हैं एंड आप यू कैन लिव ऑन द इंटरेस्ट। तो 5-5 पीरियड के लिए आप ये मंथली इनकम स्कीम खोल सकते हैं, ये भी ट्रांसफरेबल है एंड यू कैन ऑल्सो विदड्रॉ मनी ऑन बेस्ड ऑन सर्टन टर्म्स एंड कंडीशन आफ्टर 1 ईयर। मनी ऑर्डर एक और फैसिलिटी जो पोस्ट देता है, तो मनी ऑर्डर इज एन अरेंजमेंट टू सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू पोस्ट ऑफिस, इसलिए पोस्ट ऑफिस अपना कमीशन चार्ज कर लेगा। सेंडर ने मनी भेजा, रिसीवर ने उसमें साइन किया, अपना प्रूफ दिया और उसको मनी रिसीव करेगा, पोस्ट ऑफिस विल पे द मनी टू हिम और इसका रिसीट का प्रूफ वापिस सेंडर को मिल जाएगा। ऐसे ही एक है इंस्टेंट मनी ऑर्डर, अभी टेक्नोलॉजी अभी है, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी है, पोस्ट में अभी इंटरनेट फैसिलिटी आ गई है, तो सेंडर कैन सेंड 1,000 रुपीज टू 50,000 रुपीज इंस्टेंट। उसने पैसा पोस्ट में जमा कर दिया या अपने खाते से कटा दिया, सेंडर को तुरंत मिल जाएगा। सेंडर कैन वो सेंडर अपना पोस्ट ऑफिस में जाएगा अपने गाँव का एंड सॉरी सेंडर विल गो टू हिज पोस्ट ऑफिस, ही विल पे मनी, ही विल पे कमीशन, उसको एक सीक्रेट नंबर मिल जाएगा इन अ सील एनवेलोप। ये सीक्रेट नंबर वो रिसीवर को भेज देता है फोन पे या ईमेल एसएमएस करेगा या ईमेल करेगा कुछ भी, वो रिसीवर को वो सीक्रेट नंबर भेज देगा। अब वो रिसीवर जो है अपनी आईडी, फोटो आईडी लेके और वो सीक्रेट नंबर लेके अपना पोस्ट ऑफिस, अपने गांव का पोस्ट ऑफिस में जाएगा और उसको तुरंत वहां पे पैसा मिल जाएगा। तो वो ई मनी ऑर्डर भी अभी गवर्नमेंट ने पास किया, यानी IMO इज इंस्टेंट मनी ऑर्डर, ऐसे ही दूसरा है ई मनी ऑर्डर। जो पोस्ट में ये ई मनी ऑर्डर अवेलेबल है कोई बड़ी सिटीज में, ये वी कैन गेट मनी नेक्स्ट डे, आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा अपने एड्रेस पे, उसको पोस्ट जाना नहीं पड़ेगा, रिसीवर को पोस्ट ऑफिस जाके कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, उसको अपने घर पे मिल जाएगा। 1 रुपया से लेके 5,000 रुपया आप ई मनी ऑर्डर से भेज सकते हैं, उसमें ले वेब सर्विसेज एंड कंप्यूटर नेटवर्क इसके लिए यूज होता है, यानी ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का यूज पोस्ट ऑफिस काफी अच्छी तरह से कर रहा है। से सेंडर जो है शुड फिल अप द नेम, एड्रेस एंड पिन कोड ऑफ रिसीवर विद इन 24 आवर्स, ये मनी रिसीवर के घर पे मिल जाएगा। लेकिन एट द टाइम ऑफ रिसीविंग मनी द प्रूफ ऑफ आईडी शुड बी प्रेजेंटेड बाय द रिसीवर। अगर मैसेज भी भेजना हो तो आप प्री डिसाइडेड मैसेज कैन ऑल्सो बी सेंड टू द रिसीवर बाय दिस, यानी मनी एंड मैसेज कैन ऑल्सो बी सेंड विद इन 1 डे, 24 आवर में ये सब उसको मिल जाएगा। उसके अलावा अदर सर्विसेज की बात करें तो परचेस एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी, ट्रैवलर्स चेक इन फॉरेन करेंसी, डेबिट कार्ड इन फॉरेन करेंसी, ड्राफ्ट इन फॉरेन करेंसी, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एजेंसी, सर्विसेज फॉर वेरियस स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ बैंक एज एन एजेंट, बैंकिंग सर्विसेज, डिपॉजिटिंग पेंशन मनी इन द सेविंग अकाउंट ऑफ पेंशनर्स, रेलवे टिकट बुकिंग एक्सेट्रा, ये सब फैसिलिटीज अदर सर्विसेज पोस्ट देता है। एंड लोगों में बहुत फेथ है पोस्टल डिपार्टमेंट में, क्यों? बिकॉज इट इज ओन्ड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ओन्ड डिपार्टमेंट है, इसलिए उसका पैसा आपका पैसा कभी का कुछ नुकसान नहीं होगा, मनी का गारंटी गवर्नमेंट लेता है, इसलिए पीपल ओपन अकाउंट्स इन द पोस्ट और इसका इंटरेस्ट रेट भी बैंक से ज्यादा मिलता है। दैट ऑल्सो इज वन गुड थिंग कि पोस्ट में सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट 5-6% होगा, बैंक विल गिव अराउंड 4%,
तो पीपल गेट मोर इंटरेस्ट ऑल्सो इन पोस्ट. एफडी पे भी आपको आधा टका या एक टका ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, तो मनी आपको ज्यादा मिलता है इंटरेस्ट में और वो सेफ भी है. ओके आई थिंक सो वी विल फिनिश ऑफ दिस टॉपिक ये वीडियो में ही. हम आगे का जो गोडाउन एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बिकॉज वी ऑलरेडी फिनिश अराउंड 15 मिनट्स इन दिस वीडियो. सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सो बाय टिल नाउ, बाय.